वर्ल्ड के जितनी भी करेंसीज हैं उसके डिस्क्रिप्शन से इन्होंने डाले हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे सदाम के टाइम का ये करेंसी। हाउ मच इज दिस फॉर? मुझे जो है खैर मैं मुझे ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए पॉलिटिकली करेक्ट हूँ या नहीं हूँ, आई थिंक ये एक उन लीडरों में से एक थे मेरे लिए जिन्होंने पूरे उस कंट्री को एस्टैब्लिश करके रखा अपने साथ। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ऐसे कुछ नोट्स को अपने साथ हमेशा रख सकूँ जिससे मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करूँ। मैं यहाँ से एक नोट तो डेफिनेटली लूँगा, आपने कभी इस कंट्री का नाम सुना था एरिथ्रा? दिस इज़ एन ओरिजिनल नोट, इसे मैं अपने कलेक्शन में हमेशा के लिए रखूँगा। यू हैव अ लवली कलेक्शन, इट्स ब्यूटिफुल। फिलहाल हम आगे चलते हैं, बहुत लंबी मार्केट है ये और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है। मैंने एक चीज़ अभी ली है करेंसी और अब मैं दूसरी चीज़ें यहाँ पर देख रहा हूँ कौन कौन सी और सी और सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं। बहुत सारे ऐसे भी सामान हैं जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है जैसे आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी लोग ले आते हैं यहाँ पर क्योंकि ये मार्केट है, ओपन मार्केट है, कोई भी इसे ला सकता है। I'm sorry, I speak English, I cannot understand. Sure, no problem. So, यहाँ पर cap मुझे दिखी है, Russian cap. इसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई थी आपकी, आप ये देखें यहाँ पर। Миша, ты пускай посмотри. Да, это антиквариат, форму снимает. Пускай снимает, не мешает. Да, антиквариат. Okay. Was she telling about recording? Drink it. Okay. Drink it, woman, it's very bad. Okay. I understand. How much is this for? 1,000 rubles. 1,000 rubles. 1,000? Yes. Two designs of it. Okay. इसे वॉल, इसे एज अ सुबीनियर या वॉल के उसमें रखा जा सकता है। यहाँ पर इवन आपको ये दो तो हैं, ये आर्मी की है, ये इस तरह से एयरफोर्स और नेवी पुलिस ओके ओके
Okay. Okay, so ये Air Force वाली है green color की और यहाँ पे blue color की है तो बड़े अच्छे से हैं. What's your name, sir? My name is Taylor. It was nice talking to you the way you were talking. Thank you so much. I like a discount. Discount. What is it? How much would you like to spend? I'd want to take one, but then... Oh, it's half price. Double discount. Half price will be. 500 euros take it. It's good price. Russian people pay same money. Okay, I'll take this then. Okay. मेरे ग्रैंडफादर ने उनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक था और मैं यहाँ पर आया मैंने बुक देखी ये स्टैम्प कलेक्शन की जो यहाँ पर रखी हुई है बड़ी सुंदर सी लग रही थी उसका फ्रंट पेज क्यूबा के स्टैम्प्स के साथ था और इसमें बड़े सारे और भी हैं और इसमें ईयर्स डिफरेंट ईयर्स के हैं आई थिंक जो इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं इनसे एक बारी प्राइस पूछते हैं इसका कि इसका प्राइस क्या है पर आप देखिए इन्होंने ये कलेक्शन जो है ये लेनिन के स्टैम्प का कलेक्शन है और उसके अलावा यहाँ पर ओल्ड वाले भी मुझे दिख रहे हैं ये शायद 1970s के हैं How much is this for? 100. So ये मैं रख देता हूँ वो 100 का है although उतना महंगा नहीं है बहुत सुंदर है बहुत कमाल की चीज़ें इन्होंने रखी हुई देखिए इन्होंने प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी मिलिट्री के सामान होते हैं क्योंकि वो पुराने हैं जितने क्योंकि वो पुराने होते हैं तो उनकी आप फ़ोटो नहीं निकाल सकते हैं फ़ोटो या वीडियो तो जनरली जो दुकानदार हैं वो मना कर देते हैं फ़ोटो निकालने से तो मैं थोड़ा माइंडफुल होकर भी चल रहा हूँ अभी फ़िलहाल इनका रैप अप करने का टाइम हो गया है तो ये लोग ज़्यादातर सामान को जो है इस समय अंदर रख रहे हैं लेकिन आते जाते मुझे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जब मैं रिकॉर्ड करते हुए जा रहा था तो लोग जो हैं कह रहे थे कि हमारी भी फ़ोटो निकालिए आप हमें भी आप डालिए अपने YouTube चैनल पर बट देन हर किसी की हर चीज़ नहीं मानी जा सकती पाँच बजे लोग दुकान अब अपनी बढ़ा रहे हैं आज सरप्राइजिंगली यहाँ पर धूप निकली हुई थी जनरली यहाँ पर धूप निकलती नहीं है तो अब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे भी तो आपको मार्केट खाली दिखेगी लोग जाने लगे हैं अपना सामान समेट कर सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको यहाँ पर लोग दिख जाएंगे सामान अपना बेचते हुए
फिलहाल आपको इन विजुअल्स के साथ मैं आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। जितने भी स्केट्स हैं इन्होंने स्केट्स भी सेल के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर मैं इन्हें ले गया तो मेरी माँ मेरा कत्ल कर देगी, कहेगी कि भैया तुम क्या खरीद के ले आते हो। इसलिए मैं वो लूँगा नहीं। और लोगों को बचते बचाते अब मैं आगे की तरफ थोड़ा सा चलता हूँ। इन्होंने क्लोथ्स वगैरह जितने वो रखे हैं। बहुत सुंदर से दो चीज़ें मिली यहाँ पर। फोक जो डॉल्स होती हैं वो इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखी हुई हैं। मैं थोड़ा सा इसका व्यू आपको देता हूँ। और दूसरा इन्होंने क्रिस्टल के ग्लासेस और जो क्रॉकरीज होती हैं उनमें से कुछ रखा हुआ है जो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये कितना सुंदर सा है अगर आप देखें यहाँ पे। Спасибо. Ну да. ई मार्केट से चलकर जब हम आगे की तरफ आए हैं तो ये ज़्यादा इस्टेब्लिश शॉप है यहाँ पर। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ज़्यादातर हमारे यहाँ से ही आते हैं, तो इसलिए यहाँ से लेने का उसे दुख नहीं बनता है, क्योंकि आप सेम चीज़ जो वहाँ पर आपको सस्ते में मिल सकती है आप उसे थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली ही मिलेगी आपको। मैं फ़िलहाल बहुत माइंडफुल होके चल रहा हूँ क्योंकि पीछे एक जनाब मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ इस समय। थोड़ा स्टडी कर रहा था कैमरे में इधर उधर जाके कि वो क्या मेरे पीछे आ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल वो मुझे नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सेफ हैं, लेकिन यही होता है वॉगिंग करना इतना आसान नहीं होता। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो देखते रहनी होती है, बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है इन चीज़ों को लेकर और स्पेसिफिकली इन ऐसी चीज़ों को लेकर जो आपको हार्म कर सकती हैं या वॉच कर रही हैं आपका, यू नो,
स्नाइप कर रही हैं कि कभी वो आ जाएं और आपका कोई सामान चुरा ले. बहुत केयरफुल भी रहना पड़ता है इन चीज़ों से. अब यहाँ पर भी शॉप्स बंद होने शुरू हो गए. अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो अब क्लोज्ड होने शुरू हो गई हैं. तो 5 बजे के आसपास यहाँ पर आई थिंक ये वाली शॉप्स भी क्लोज हो जाती हैं. ये काम करते हैं, जो वो ड्रेस थी आर्मी वाली ड्रेस वो मैं जाके एक लेता हूँ अपने लिए, ताकि मैं उसको रख सकूँ और पहन भी सकूँ उसे अपने साथ. तो आइए एक बार ये देख कर आते हैं. जो मेरे पीछे जगह हैं यहाँ पर इन्होंने शर्ट्स लगा रखे हैं, बड़े सुंदर लग रही हैं. कई तो इसमें बड़ी सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं. $200 में अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको कुछ इस तरीके की शर्ट्स मिल जाती हैं. अगर आपको लेनी हो, ये विंटर्स की लग रही है मुझे, और अंदर भी काफ़ी सारी हैं. कार्गोज हैं यहाँ पर जो ले सकते हैं, और बाकी उनका भी प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ. तो अब अगर आप देखें यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने फूड का भी लगा रखा है, और उसके अलावा आप अगर पूरी आली को देखें तो इस पूरी आली में यहाँ पर क्लोथ्स का ज़्यादा है. कई शॉप्स यहाँ पर बंद भी हैं क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो रहा है. चलते हुए जा रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी तरफ मत फोकस करिए, क्योंकि वॉर के जितने भी आइटम्स होते हैं आई थिंक आप उनको सेल परचेज नहीं कर सकते. सो इसीलिए दुकानदार जो हैं, कई दुकानदार उससे मना कर देते हैं, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए. उसको नहीं दिखाएंगे कैमरा पर, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो तो दिखाएंगे. I don't know Russian, English. What's your name? Yeah? I'm Predayuch. Yeah. Yeah? Askov Street. Can't understand. Huh? Can't understand. Спасибо. Ну ладно, здоровье. अच्छा लगता है जब लोग वेव कहते हैं, स्माइल कहते हुए. वो देखिए पीछे की तरफ. Сколько?
Как зовут? Евгений. Окей. Шикар. Индус. А это сколько стоит? Сколько стоит? Yeah. Да, ТВ. Сколько? Большой. Ну, вы продаете, да? А сколько стоит? Да. Сколько стоит? Деньги, сколько стоит? Спасибо. So अगर आप collectibles, war memorabilia, sports किसी में भी interesting है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं. यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप सैटरडे संडेज़ को आते हैं. अगर आप हॉबिस्ट हैं, कलेक्शनिस्ट हैं, कुछ भी आपके शौक हों वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक बारी. अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए. यहाँ पर कई चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस पर मिल जाती हैं. फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ दूसरी तरफ ताकि आपको और विजुअल्स लेकर आ सकूं और सारी जगह आपको दिखा सकूं. मैं